कक्षा सातवीं गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को कोष्टकों का प्रयोग बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं कोष्टकों का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले तो कुछ कोष्टक हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए ये होता है सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर होता है ये मझला कोष्टक, फिर इसके बाद आता है बड़ा कोष्टक और एक लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं लाइन कोष्टक जो ऊपर दिखता जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और ये रेखा कोष्टक जो एक लाइन की तरह रहता है। चलिए हम फिलहाल तो इनके कोष्टक को सेट करके इन पे आते हैं। उदाहरण नंबर एक दिया है, निम्न कथन में कोष्टक का प्रयोग कर लिखिए। इसको कोष्टक के रूप में कैसे लिखा जाता है देखते हैं। पांच और तीन का योग, पांच और तीन का योग तो पांच लिख लीजिए और प्लस का तीन लिख लीजिए, इसका योग है जिसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब सात से गुणा कीजिए तो इसको गुणा कर देंगे सात से, यही आपका आंसर हो जाएगा आज के लिए। ब्रैकेट में हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, जो संख्याओं का एक साथ करना होता है तो वो हमें देखना है। पांच और तीन को इन्होंने बताया, पांच और तीन को पहले जोड़ के तब सात से गुणा करना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पांच गुणा तीन गुणा अगर सात करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। ये पांच प्लस तीन यानी ये जो पांच प्लस तीन किया गया है ये गलत रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं ऐसा। चलिए यहां दिखाते हैं, ये पांच प्लस सात किया 21 हो जाएगा और 21 और पांच 26 हो गया। अब यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है पांच प्लस तीन, तो पांच प्लस तीन की गुणा सात से करके दिखा रहे तो पांच और तीन आठ हो जाएगा, गुणा सात हो जाएगा और आठ सत्ते 56 हो जाएगा। देखो रिजल्ट अंतर आ गया, इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है, इसलिए हमें ब्रैकेटों का यानी कोष्टकों का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए चलते हैं आगे, उदाहरण नंबर दो में भी कोष्टक का ही प्रयोग दिया गया है। 28 और 15 के अंतर को 12 और 4 के योग से भाग दीजिए, तो 28 तो ये हो गया और 15, 15 का अंतर मांग रहा है तो हम अंतर के लिए माइनस लगाएंगे। 28 में से 15 गया तो 28 और 15 का अंतर, इसको भाग देना है, किससे भाग देना है 12 और 4 के योग पर, तो वो भी ब्रैकेट में ही आएगा 12 प्लस 4, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तभी एक साथ हो पाएगा। 12 और 4 के योग से भाग देना है, इसका योग कर दिया गया और यहाँ पे अंतर लेना है तो इसको माइनस कर दिया गया। ये प्रयोग है हमारे ब्रैकेटों का, अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, जब इसको हल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, 28 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 में से 8 गया 3 बचा और 2 में से 1 गया 1 13 बच गया, और 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। अब इसको हम 13 भाग 16 कर सकते हैं यानी 13/16 हो जाएगा, तो आसानी से इसको करा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न कर, ये आंसर आपका इतना ही होगा क्योंकि इतना ही मांगा गया है। उदाहरण नंबर तीन देखते हैं, 7/9 और 3/5 के योग के दुगने में, यानी 7/9 और 3/5 का योग ब्रैकेट में रहेगा, इसका दुगना करना है तो 2 से गुणा कर देंगे, के योग के दुगने में 4/11 जोड़ना है तो 4/11 अब ये अलग हो जाएगा, ये 4/11 यहाँ आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम प्रश्नावली की तरफ भागते हैं, प्रश्नावली 5.1 है, तो निम्न कथनों को कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है, केवल कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है। 10 और 2 के अंतर को, 10 में से 2 गया तो इसका अंतर बन गया, 30 से भाग दिया जाए तो यहाँ भाग का चिन्ह आएगा और 30 आ जाएगा और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगला बता रहे हैं 12 और 5 के अंतर को, तो 12 और 5 का अंतर ये कर दिया गया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 27 से गुणा किया जाए तो इसको गुणा 27 कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ये तीसरा पार्ट है, ये 4.5 एवं 2.3 के योग को, यानी 4.5 और 2.3 के योग को ब्रैकेट में रख देंगे, 3.8 से भाग दिया जाए यानी इसको भाग देना है 3.8 से और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये केवल कोष्टकों का प्रयोग करके लिखना भर है, केवल इसको केवल लिख करके दिखाना है, हल नहीं करने के लिए कहा गया। तो चलते हैं देखते हैं, जरा आगे की तरफ पढ़ते हैं, ये आपका चौथा पार्ट है, 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योगफल का भाग दिया जाए, यानी 8/27 कर दिया गया, इसमें भाग देना है किससे, 2/3 और 7/15 के योगफल से, तो योगफल को हम ब्रैकेट में रखेंगे और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यह निम्न कथनों का प्रयोग कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए, इसमें भी कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है 15 है,
और 27 के योग में, देखो 15 और 27 का योग ऐसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 8 और 6 के अंतर से गुणा किया जाए, तो ये गुणा कर दीजिए और 8 और 6 का अंतर भी हमें कोष्टक में ही लेना पड़ेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 37 एवं 28 के गुणा में 11 में 29 के भाग का योग किया जाए, 27 37 एवं 28 के गुणा में, तो 37 गुणा 28 को एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, 11 में 29 के भाग का योग किया जाए, यानी योग करा जाए तो किसमें, 11 में 29 के भाग का, ये 29 का भाग कर दिया जाए और ये आंसर हो जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में, 8.45 तथा 6.75 के अंतर में, तो 8.45 और इसमें 6.75, इसका अंतर यानी माइनस का कर दिया जाएगा, ये ब्रैकेट में रखेंगे। अंतर में 3.2 एवं 2.4 के योग का गुणा किया जाए, तो योग वाले को हम ब्रैकेट में रखेंगे, यानी 3.2 और प्लस 2.4 हो जाएगा, इसकी गुणा की जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 और 11 के योगफल, तो 5 यहाँ हो गया और 11 ये हो गया, इसका योगफल ले लिया गया के दुगने में, इसको 2 से गुणा कर दिया गया, से 8 और 3 के अंतर को बताया जाए, 8 और 3 के अंतर को घटाया जाए, तो 8 में से 3 अंतर ये हो गया एक साथ, और इसको घटाया जाए तो माइनस चिन्ह और आ जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न का पांचवा है, 4/27 एवं 5/9 के योग में, तो 4/27 प्लस 5/9 के योग में 7/8 का भाग दिया जाए, तो ये भाग का चिन्ह आ जाएगा और 7/8 यहाँ लिख दिया जाएगा और यही आपका आंसर। छठा है 5 एवं 10 का योग, तो 5 और 10 का योग एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 7 एवं 3 का अंतर, 7 माइनस 3 हो जाएगा, तथा 8 एवं 25 से गुणा का, 8 एवं 25 के गुणा का, तो 8 गुणा 25 कर दीजिए, आपस में योग किया जाए, तो इनको गुणा का ब्रैकेट में ले लेंगे सबको और सबको योग किया जाए तो सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 4 है, वो प्रश्नावली समाप्त हो गई है, अब अगली प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 5 प्लस 3, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 2 गुणा 5 और 3 8 हो गया और 8 गुणे 16 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये यदि कोष्टक में, ये ध्यान रखना बच्चों, यदि कोष्टक एवं कोष्टक के बाहर की संख्या के बीच कोई चिन्ह न हो तो कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर की संख्या में गुणा करते हैं, ये नियम नोट करके रखना और याद करके रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, ये a माइनस कितना दिया है, b माइनस c है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो a माइनस b हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। छठे में देखते हैं, ये p माइनस q माइनस r माइनस s दिया हुआ है, इसमें भी जब ब्रैकेट खुलता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो पी माइनस क्यू ये प्लस का आर हो जाएगा और प्लस का एस हो जाएगा और इसमें कोई चीज जुड़ नहीं रही है ना ही कोई चीज घट रही है, तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 7, इसको हल करना है, तो देखो ए प्लस है, 2 है, फिर 2 ए है, माइनस का 3 भी है, इसको हल करना है, देखते हैं हल कैसे होता है, तो ये a हो गया बराबर यही लगाएंगे, 2 के अंदर गुणा कर दो, 2 दुनी 4 a हो जाएगा, माइनस 2 3 6 b हो जाएगा, अब a a के साथ जुड़ जाएगा तो 4 a और a 5 a हो गया और माइनस का 6 b हो गया, ये यहीं पे आंसर हो गया। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 3x दिया है, माइनस 4y है, माइनस का 2x है, माइनस का 3y है लेकिन ब्रैकेट में है, तो ये बराबर 3x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, ये अंदर बाहर ब्रैकेट में माइनस है अंदर के चिन्ह बदल देगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 3y हो जाएगा, देखो 3x ये है 2x है तो केवल x बच जाएगा, माइनस का 4 ये प्लस का 3 है तो केवल माइनस का बच जाएगा y और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्नावली 5.2 की तरफ, ये पहला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, 2a है प्लस 4 है और a प्लस 5 b है, चलिए अंदर गुणा करते हैं, ये 2a है, 4 किसमें गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा और 4 5 20 b हो जाएगा,
अब 2a और 4a कितना हो गया, 6a हो गया, और ये 20 b रहेगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ, 3a माइनस 4b ब्रैकेट में है और माइनस का 2b है, इसमें तो बाहर माइनस है ही नहीं, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, 3a माइनस 4b ब्रैकेट खुल जाएगा और माइनस का 2b और हो गया, तो 3a तो ऐसे रहेगा, माइनस का 4a माइनस का 2 है तो माइनस का 6b हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, 4x प्लस 3 है और माइनस का 2x प्लस 3 है, देखो कैसे हल होगा, ये 4x हो गया प्लस का 3 हो गया, बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं, 2 है फिर 5x है प्लस 3 है माइनस का 4x है प्लस का 2 है, इसके अंदर गुणा हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना होता है, तो 5x में से 4x गया तो केवल x बच जाएगा, 3 और 2 मिलकर के 5 हो गए, अब अंदर गुणा कर दीजिए तो 2x हो जाएगा और 5 दूने 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है अगला है आपका पांचवा, पांचवे में क्या दिया है, 30 दिया है माइनस का 15 है फिर 4x है माइनस का 2y है, चलिए देखते हैं, ये 30 हो जाएगा, 15 चौक 60x हो जाएगा, चिन्ह भी बदलते जाएंगे सबके, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 15 दुनी 30y हो जाएगा, देखो क्या हो गया, अब ये अब इसमें कोई और चीज तो आ नहीं रही है तो ये तो बस यही आंसर हो जाएगा, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर आंसर हो गया आपका। ये देखिए क्या लिखा है, 4.5 है फिर 2.5 है और ये 3.5 है प्लस 8.5 है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना पड़ता है, 4.5 हो गया, 2.5 ही रहने दीजिए, इसे पहले जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो ये रहेगा 5 और 5 10 हो जाएगा और 8 और 3 11 और 1 12 हो जाएगा, अब इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 4.5 प्लस इसकी 2.5 से गुणा कर दिए तो 12 5 60 हो जाएगा और 12 2 24 और 6 30 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30.0 आ जाएगा, आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34.5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं, ये दिया हुआ है 12.8 माइनस 3.2 और 4 माइनस 2.8, चलिए देखते हैं, 12.8 है माइनस 3.2 है, सबसे पहले से घटाना पड़ेगा तो 4 कैसे घटाएंगे, 4 में से ये घटाना है तो पहले 4 में से कहां से लेंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा और बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, अब जरा गुणा कर दीजिए, 12.8 माइनस 12 3.2 की 1.2 से 12 2 24 को 4 और 12 3 36 36 और 2 38 और 2 के बाद 10 लग जाएगा, अब इसको दोनों को घटाना है तो देखो कैसे घटता है, ये यहाँ घटा लेते हैं जरा, 12.8 है इसमें से 3.84 घटाना है, यहाँ एक 0 ले लेंगे और घटा दीजिए, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 8 गए तो 9 बचेगा 17 लेकर के और यहाँ बच गया 11, 11 यानी के 11 में से 3 गए तो 8 और 3 11 होता है तो 8.96 हो गया, 8.96 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं, ये 8a है प्लस 3 है, 5a है प्लस का 6b है माइनस का 3 है, चलिए देखते हैं, 8a है प्लस इसकी गुणा कर दीजिए, 5 3 15a हो जाएगा प्लस 3 6 18b हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, देखो 15 और ये 8 कितना हो गया, 23a हो गया प्लस का 18b हो गया और माइनस का 9 हो गया और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, लाइक भी आप लोग करेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।